कोरोना के सेकेंड वेव के बीच टीवी के कई कपल्स के घर खुशियां भी आई हैं। जहां कई सेलेब्स ने शादी करने का फैसला किया तो वहीं कई स्टार्स को पेरेंट्स बनने का सुख भी नसीब हुआ है। और अब ऐसी ही खुशी सामने आई है छोटी सरदारनी की एक एक्ट्रेस के घर से भी। वेल, यकीनन आप ये भी सोच रहे होंगे कि भला वो एक्ट्रेस कौन है, तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं छोटी सरदारनी शो में अमृता कौर ढिल्लन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अभिलाषा जाखड़ की। जी हां, 14 मई को टीवी स्टार अभिलाषा ने एक बेटे को जन्म दिया है। अभिलाषा ने सोशल मीडिया पर इस नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी भी शेयर की और अपने बच्चे की पहली झलक भी दिखाई है। एक्ट्रेस अभिलाषा ने इस खुशखबरी को लेकर लिखा, 14 मई 2021 को हमारा छोटा राजकुमार हमारे पास आया। डैडी और मम्मी आपसे प्यार करने का वादा करते हैं, आपकी देखभाल करेंगे और जीवन भर आपका मार्गदर्शन करेंगे। टीवी स्टार्स भी अभिलाषा के पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें माँ बनने की बधाइयाँ दे रहे हैं। अभिलाषा ने टीवी शो छोटी सरदारनी में अमृता की भूमिका निभाई है। ऐसे में उनकी को स्टार रही अनीता राज ने माता पिता को बधाई भी दी। अभिलाषा शो में कुलवंत की बहू का किरदार निभा रही हैं। आपको बता दें कि अभिलाषा जाखड़ ने टीवी शो ये है मोहब्बते से फेम पाने वाले एक्टर विनीत कुमार चौधरी से शादी की है। लॉन्ग टाइम डेटिंग के बाद कपल ने दिसंबर 2017 में शादी करने का फैसला किया था और अब कपल अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बने हैं। आपको बता दें कि कपल ने शादी से पहले 6 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था। फिर उन्होंने लंबे वक्त के बाद साल 2017 में जयपुर में सगाई की और इसमें उनके करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर से शामिल हुए थे। सगाई में ये है मोहब्बते में उनके को कलाकार रहे संग्राम सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि विनीत को कहां हम कहां तुम में देखा गया था। उन्होंने दीपिका कक्कड़ के लवर की भूमिका निभाई थी। एक्टर विनीत नागिन 2 जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस कोरोना काल में कई टीवी स्टार्स ने बच्चों को जन्म दिया, जिसमें अनीता हसनंदानी, शिखा सिंह, एकता कौल जैसे स्टार शामिल हैं। और अब ये खुशी एक्ट्रेस अभिलाषा के घर आई है। क्रेजी4 टीवी की तरफ से भी अभिलाषा और उनके परिवार वालों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।